अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मीटलेस डेज, जिसको लिखने वाली हैं सारा सोलारी। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करेंगे टाइटल की सिग्निफिकेंस की। जो राइटर है उनका इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं, राइटर के मेजर वर्क्स के अबाउट डिस्कशन करेंगे। मीटलेस डेज का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा मीटलेस डेज के जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं टाइटल सिग्निफिकेंस की, मीटलेस डेज। टाइटल पे गौर करना आपने, मीट किसे कहते हैं, गोश्त को। मटन हो गया, बीफ हो गया, चिकन हो गया, ये सब क्या हैं, गोश्त की कैटेगरी है। लेस कि जब अवेलेबल ही ना हो, कम हो, डेज दिन। अब राइटर ने यह किया है, राइटर ने टाइटल मेटाफोरिकली यूज़ किया है, सिम्बॉलिकली यूज़ किया है। किसका सिंबल है, डेथ का सिंबल है। किस तरह से, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी मीट होता है, तो मीटलेस विदाउट ह्यूमन बीइंग, डेज दिन, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर राइटर ने अपनी सारी मेमोरीज को कलेक्ट करके लिखा है। मेमोरीज जो हैं वो कोहेरेंट फॉर्म में नहीं लिखी गई, कभी कोई मेमोरी का जिक्र है लेकिन कोई भी कभी कोई मेमोरी का, बट वो जो मेमोरीज लिखी गई हैं ना फुली प्लान्ड वे में लिखी गई हैं। अब क्या हुआ, इसकी मदर की डेथ हो गई। मदर की डेथ का इसके अंदर एक ग्रेट ट्रोमेटिक वे में जिक्र किया गया है, और उस चीज़ को मीटलेस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और मदर की डेथ के बाद के डेज मीटलेस डेज। बेसिकली ये जो वर्ड मीटलेस है ना, ये सिंबलाइज कर रहा है मदरलेस, फादरलेस, सिस्टरलेस, ब्रदरलेस और लवलेस, होमलेस, लाइफलेस। इन वर्ड्स को सिंबलाइज कर रहा है। माँ के बगैर दिन, बाप के बगैर दिन, सिस्टर्स के बगैर दिन, ब्रदर्स के बगैर दिन, और लवलेस लाइफ, होमलेस लाइफ और फाइनली लाइफलेस डेज। मीट जो होता है बेसिकली क्या होता है, फूड, किसी एक की ज़िंदगी गुजारने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मीट खाते हैं तो हम क्या ज़िंदा रहने के लिए मीट खा रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड किसी की डेथ होती है तभी तो हमें मीट मिलता है ना। जानवर को मारा गया, यानी कि बकरा ज़िबा किया गया, गायें ज़िबा की गई, और उसी के बाद तो हम लोगों को मीट मिला ना। तो राइटर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करना चाह रही है, मीट इज़ फूड फॉर वन लिविंग क्रिएचर बट इट इज़ डेथ फॉर एन अदर। कि एक की डेथ है, एक के लिए तो लिविंग का कॉज है। इसी लाइन को अगर हम अप्लाई करें, डेथ ऑफ समवन हु इज़ क्लोज टू यू, जो आपके बहुत करीबी है, वो भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है, मीट से बना हुआ है, गोश्त से बना हुआ है, और उसका गोश्त ख़त्म हो गया उसके मरने के बाद, मतलब वो मर चुका है, और उसके मरने के बाद लाइफ कैसे गुजर रही है। इसने उस ट्रॉमा को यहाँ पे लिखा है, इसने उस सफरिंग को इस नॉवल में लिखा है, उस पेन को लिखा है। इसके अलावा पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल डिश है, जो यानी कि बहुत पकती है यहाँ पे, पाए हो गए, गुर्दे कपूरे हो गए, बड़ा गोश्त हो गया, छोटा गोश्त हो गया, मुर्गा हो गया, यहाँ बहुत पकता है। लेकिन अब्रॉड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ये सब कुछ इतना नहीं पकता जितना ये पाकिस्तान में पकता है, वो वेजिटेरियन होते हैं मोस्टली। तो इनको पाकिस्तान से माइग्रेशन करना पड़ी थी, उस माइग्रेशन की वजह से जो इनके डेज अब्रॉड में गुजरे हैं उन डेज को भी इसने मीटलेस से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि वो डेज जो पाकिस्तान में थे और मीटलेस डेज वो डेज जो पाकिस्तान से बाहर गुजरे हैं। राइटर ने नॉवल के अंदर एक जगह मीट के लिए वर्ड यूज़ किया है, लार्ज फ्यूनरल गेम। राइटर की सिस्टर ने एक जगह डायलॉग बोला है, फूड इज़ व्हाट यू बरी इन योर बॉडी, बरी मीन्स दफनाना। तो यहाँ पे भी ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे जो मीटलेस डेज हैं उसको डेथ से रिलेट किया जा रहा है। इसके अलावा राइटर जो है उसका रिलीजन के साथ क्या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, पॉलिटिक्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनको भी कहती है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ये दोनों जो हैं ह्यूमन बीइंग को डेथ की तरफ लेके जाते हैं। इसके अलावा थ्रू एंड थ्रू इस नॉवल के अंदर मीट का ज़िक्र होगा, ड्रिंक का ज़िक्र होगा, फूड का ज़िक्र होगा,
और to learn to survive without meat means without happiness, कैसे survive किया ये सब कुछ बताया जाएगा. तो it means meatless days survival को भी symbolize कर रहे हैं, hardships को भी symbolize कर रहे हैं, pain को भी symbolize कर रहे हैं. नाइन टेल्स ये इसमें बताएगी, उसमें ये फूड को लेके आएगी और वो फूड को पाकिस्तान के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, रिलीजन के साथ रिलेट करके बताएगी और उसके आउटकम में जो ट्रॉमेटिक इफेक्ट रहे हैं इसकी लाइफ के ऊपर ये उनका जिक्र करेगी. तो इट मींस जो मैंने आपको समराइज करके स्टार्ट पे ही बता दिया था, मीटलेस वर्ड जो वो फादरलेस, मदरलेस, सिस्टरलेस, ब्रदरलेस, लवलेस, होमलेस एंड लाइफलेस को सिंबलाइज कर रहा है. इसके अलावा यहाँ पे ये डिसेप्शन को भी सिंबलाइज कर रहा है, धोखे को. जैसे कि यहाँ पे गुर्दा का पूरा का वर्ड यूज़ होगा इस नॉवल के अंदर, जहाँ पे राइटर बताएगी कि उसकी मदर कहती थी दिस इज़ स्वीट ब्रेड्स. ठीक है, गुर्दा का पूरा जो है ना, कपूरा, ये स्वीट ब्रेड्स हैं, कहती है इनकी माँ ने बताया था उनको, लेकिन ये बाद में पता लगा था कि ये तो टेस्टिकल्स होते हैं. तो इट मीन्स डिसेप्शन, धोखा दिया जाता है, बताया कुछ जाता है, रियलिटी कुछ होती है. राइटर इस टाइटल के थ्रू ये भी रिप्रेजेंट कर रही है. और मोस्टली जो अपनी टेल्स है, नाइन टेल्स, उन टेल्स के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, उन स्टोरीज़ को भी राइटर फूड के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही है. फूड यूज़ करते हुए वो फर्दर स्टोरी को नरेट करती है. जैसे कि ये कपूरा का सीन हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ, इसकी सिस्टर तिल्लत आई थी, तब इनकी कन्वर्सेशन शुरू हुई थी मील्स के ऊपर. रमज़ान का इवेंट बताएगी तो बताएगी कि किस तरह वो मीटलेस गुजरता है, मतलब खाना पीना नहीं होता खुदा ताला के लिए, आप लोगों ने भूख वो छोड़कर सब्र करना होता है. रमज़ान से पहले का बताएगी तो तब क्या होता है, बहुत खाया जाता था, ईटन टू मच लाइक प्री फास्ट मील ऑफ रमज़ान. लेकिन ड्यूरिंग रमज़ान आप लोगों को इतना नहीं खाना होता. तो यहाँ पे ये मीट को रिलीजन के साथ भी एसोसिएट करेगी. ईद उल अज़हा की बात करें तो वहाँ पे कुर्बानी की जाती है, अगेन मीट होता है. ठीक है, तो जिसको हम बिग मीट कहते हैं, यहाँ पे लिटल मीट कहते हैं, मटन, ठीक है, या बीफ. तो क्या होता है, उस चीज़ को भी ये रिलीजन के साथ रिलेट करके बताएगी. तो इट मींस ये वर्ड मीटलेस इसने बहुत ज़्यादा कनिंगली सोच कर यूज़ किया है, जिसमें इसने पॉलिटिक्स को भी लेके आई है, क्योंकि जब पार्टीशन हुई थी उस टाइम पे भी काफ़ी मीट जो है सेक्रीफाइस हुआ था, मींस काफ़ी शहादत हुई थी, काफ़ी डेथ्स हुई थी. उसके अलावा पॉलिटिक्स, ठीक है, रिलीजन देख ली हम लोग ने रमज़ान की, ईद की बात करके. इसके अलावा इसकी अपनी फैमिली का अपना लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है. तो मीटलेस डेज जो है बहुत ही सूटेबल टाइटल है इस नॉवल के लिए, जिसके अंदर राइटर ने एक टाइटल यूज़ करते हुए अपनी सारी लाइफ की जो हिस्ट्री है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो ऑटोबायोग्राफी है, जो रिलीजन के साथ इसके बिलीफ्स हैं, जो पॉलिटिक्स के साथ इसके बिलीफ हैं, उन सबको इसके अंदर एक्सप्रेस कर दिया है. इवन के फेमिनिज्म भी आता है टाइटल के अंदर, किस तरह से मीट जब औरतें होती हैं वही मटन और उसके बाद बीफ और उसके बाद चिकन ये सब कुछ पकाती हैं. और इस चीज़ को वो नुज़हत के साथ रिलेट करेगी कि एक दिन नुज़हत जो है वो चिकन गली दुकान पे जाती है चिकन लेने के लिए, फिर उसके बाद वो पूछती है क्या ये फ्रेश है. क्यों पूछती है, क्योंकि वो एक वाइफ है, अपनी वाइफली ड्यूटी समझते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उससे पूछती है कि आर दे फ्रेश. आगे से चिकन मॉन्गर कहता है, यानी कि जो मुर्गी बेचने वाला होता है वो कहता है कि ये ज़िंदा है, तो इसका मतलब क्या है ये फ्रेश ही है. फिर नुसरत कुछ घंटा गुजरने के बाद, और तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद पूछती है, सो अ फ्रेश चिकन इज़ अ डेड चिकन, यानी कि जो मरा हुआ चिकन, एक फ्रेश चिकन होता है वो मरा हुआ चिकन होता है. आगे से वो बंदा रिप्लाई करता है, नो टू डेड. तो यहाँ पे हमने देखा एक तो फीमेल ड्यूटी एसोसिएट कर दी गई मीट से, दूसरा देखा डेथ का फिर से यहाँ पे रेफरेंस दे दिया गया. ठीक है, तो बेसिकली वो डेथ को, वुमेन ड्यूटीज़ को, मदरलेसनेस को, फादरलेसनेस को, सिस्टरलेसनेस को, ब्रदरलेसनेस को, लवलेस, होमलेस एंड लाइफलेस को इस टाइटल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही है. टाइटल आपको क्लियर हो चुका होगा. अब बात करते हैं राइटर के ऊपर. राइटर जो सारा स्लरी, ये 12 जून 1953 को पैदा होती हैं, शी इज़ स्टिल अलाइव. मैं लेक्चर बना रही हूँ 11 जून 2021. तो राइटर इस टाइम पे अभी अलाइव है. बर्थ के लिहाज से बात करें तो सारा स्लरी पाकिस्तान में पैदा हुई.
छह बहन भाई थे ये, जिसमें एक का नाम तल्लत, एक इरफान, एक नुजहत, एक शाहिद, एक इफ़त और एक सारा। नुजहत जो थी वो इसकी स्टेप सिस्टर थी, बाकी सब रियल ब्रदर एंड सिस्टर थे। इसकी जो मदर थी वो थी वेल्श, ठीक है, वेल्श से बिलोंग करती थी। मेयर जोन्स मदर का नेम था। वो एक इंग्लिश प्रोफेसर थी। इसके जो फादर थे वो पाकिस्तानी थे। जेड ए सुलेरी उनका नेम था, जिसका मतलब है ज़ियाउद्दीन सुलेरी। 1913 में पैदा हुए और 1999 में इनकी डेथ हो जाती है। बाय ट्रेड फादर जो है वो एक नोटेबल पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, कंजर्वेटिव राइटर थे, ऑथर थे एंड द पाकिस्तान मूवमेंट एक्टिविस्ट भी थे। एंड ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द पायनियर ऑफ प्रिंट जर्नलिज्म इन पाकिस्तान। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल बुक्स लिखी ऑन पाकिस्तान एज वेल एज ऑन इस्लाम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सारा सुलेरी जो है वो पैट्रियोटिक नहीं थी, उनको पाकिस्तान से प्यार नहीं था और ना ही वो अपने फादर को आइडियलाइज करती थी। एजुकेशन के लिहाज से बात करें तो सारा सुलेरी ने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो लंदन से अटेंड की एंड सेकेंडरी स्कूल जो है इसने लाहौर से अटेंड किया था। इसने अपनी बीए की डिग्री किनेड कॉलेज लाहौर से ली इन 1974 और उसके बाद टू ईयर्स लेटर शी वॉज अवार्डेड एन एमए फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड वेंट ऑन टू ग्रेजुएट विद द पीएचडी फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी 1983। फिर 1993 में सुलेरी ने ऑस्टिन गुडियर, पर्सन का नेम है, उससे शादी की थी, जो 2008 में उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा सुलेरी ने दो साल विलियम्स कॉलेज इन विलियम्स टाउन मैसाचुसेट्स में पढ़ाया। सुलेरी की स्पेशल कंसर्न की बात की जाए तो उसमें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर थियरी, कंटेम्प्रेरी कल्चरल क्रिटिसिज्म, लिटरेचर एंड लॉ आ जाते हैं। इसके अलावा येल यूनिवर्सिटी में ये इंग्लिश की प्रोफेसर भी रही हैं, जहाँ पर उन्होंने रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री को पढ़ाया था। सारा सुलेरी के इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात कर तो उसमें बॉयज़ विल बी बॉयज़, अ डॉटर्स एलेजी जो कि 2003 में पब्लिश हुआ, द रिटोरिक ऑफ इंग्लिश इंडिया 1992 में, मेमोयर मीटलेस डेज जो कि 1989 में। बॉयज़ विल बी बॉयज़, अ डॉटर्स एलेजी, ये इसने अपने फादर को ट्रिब्यूट दिया। ये वर्क भी इसका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जिसके अंदर ये अपनी मेमोरीज को डिस्कस कर रही है व्हेन शी वाज अ गर्ल इन द एज ऑफ गर्लहुड इन पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन 1947। वही लैंग्वेज, वही ह्यूमर, वही पैशन जो इसने मीटलेस डेज में यूज़ किया है वही इसमें भी हमें नज़र आएगा। देन अ रिटोरिक ऑफ इंग्लिश इंडिया, ये एक मास्टरपीस था, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का, जिसमें इसने जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन थी उसकी बात की, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और ये इसका मोस्ट ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन है टू पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है मेमोयर है जो इसका, वो है मीटलेस डेज। इसको मेमोयर क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर इसने डिफरेंट मेमोरीज का जिक्र किया है। मीटलेस डेज के अंदर इसने हिस्टोरिकल अकाउंट बताया, अपना बायोग्राफी बताई है, फ्रॉम पर्सनल नॉलेज ऑटोबायोग्राफी बताई है इसने। मीटलेस डेज जो है हमारा मेन कंसर्न है, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन इसकी 15 जून 1989 है। ये एक मेमोर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखा गया, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है प्लॉट का, इवेंट्स का। अभी कोई पास्ट का स्टोरी चल रही है तो फिर उसके बाद कोई और स्टोरी चल रही है, फिर कोई और स्टोरी चल रही है, यही चीज़ इसको डिफ़िकल्ट बनाती है, क्योंकि इसने जो इवेंट्स डिस्कस किए हैं वो एक ऑर्डर में नहीं लिखे। इसके चैप्टर्स भी जो हैं वो एक ऑर्डर में नहीं लिखे गए हुए। फर्स्ट चैप्टर में कोई और स्टोरी चल रही है तो सेकंड में कोई और स्टोरी चल रही है, लिंक्ड प्लॉट नहीं है, लिंक्ड इवेंट्स नहीं है, लेकिन जो इवेंट्स इसने डाले हैं सबके सब प्लान्ड वे में डाले हैं, प्लान करके डाले हैं। तो क्योंकि इसने प्लान्ड वे में लिखा है तो इट मीन्स कि इसका एक ग्रेट एम है इसको लिखने के लिए, इसने किसी पर्पज़ के तहत इस वर्क को लिखा, ठीक है। इसने जो इवेंट डाला है पहले उससे रिलेटेड इवेंट आगे डाला है, उससे रिलेटेड इवेंट आगे डाला है, जहां बातें तो लिंक्ड हो रही होंगी लेकिन प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा।
मोस्टली वर्क के अंदर इसने अपनी फैमिली के बारे में बताया, पाकिस्तान के बारे में बताया, रिलीजन के बारे में बताया, पॉलिटिक्स के बारे में बताया। फैमिली के जो मेंबर हैं, ज़ियाउद्दीन सुलेरी इसके फादर, ये उनको पसंद नहीं करती थी, पिप कह के बुलाती थी। पसंद नहीं क्यों करती थी? क्योंकि शी वॉज नॉट अ पैट्रियोटिक लेडी, लेकिन इसका फादर जो था बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक दिखाया गया है। नुजहत इसकी स्टेप सिस्टर है। तिल्लत एंड इफ़त दिखाए गए हैं। शाहिद दिखाया गया है, इसकी ग्रैंड मदर दादी, वो दिखाई गई हुई है। इवन कि जब नॉवल की ओपनिंग होती है, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एक्सलेंट थिंग्स इन वुमेन, उसके अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर जो सेंटर पीस है वो दादी ही है। फर्स्ट चैप्टर में से दादी की बात की है। दादी जो है वो ओल्ड वुमेन है, अथॉरिटेटिव दिखाई गई है, रिलीजियस माइंडेड दिखाई गई है। उसको खाने पीने का बहुत शौक है, गुड फूड की बहुत ज़्यादा शौकीन है। वो पंजाबी स्पीकिंग लेडी नहीं थी, वो मेरठ में पैदा हुई थी। मेरठ जो है अब उत्तर प्रदेश यानी कि इंडिया का पार्ट है, उत्तर प्रदेश इंडिया का पार्ट है अब। इसके अलावा बताया जाएगा कि सुलेरी के फादर ने अपनी सेकेंड शादी कब की थी, वन ही वॉज इन द एज ऑफ 50। कुछ वुमेन की बिहेवियर के ऊपर लाइट डाली जाएगी, सो ऑन। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था अभी, कि मतलब स्टार्टिंग इसने ऐसे ली है। ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस दिखाए जाएंगे, जैसे कि मैंने बता दिया, मदर आ गई, सिस्टर आ गई, ये खुद आ गई, इसकी ग्रैंड मदर आ गई, इसके फादर आ गए, ये सब कुछ उसमें लेके आ रही है। फेमिनिस्ट रिफ्लेक्शंस दिखाया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तानी वुमेन जो है उसके ऊपर सप्रेस किया जाता है, उसको ओप्रेस किया जाता है, सब्जुगेट किया जाता है, किस तरह से वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रही हैं, सो ऑन। टोटल इसके 9 चैप्टर्स हैं। उनके नेम्स हैं, नंबर 1 एक्सलेंट थिंग्स इन वुमेन, नंबर 2 मीटलेस डेज, नंबर 3 मुस्तकोरी माय फ्रेंड अ स्टडी ऑफ परफेक्ट इग्नोरेंस, नंबर 4 गुड बाय टू ग्रेटनेस ऑफ टॉम, नंबर 5 द राइट पाथ और दे टुक द रोंग रोड, नंबर 6 पापा एंड पाकिस्तान, नंबर 7 है द इमोडरेशन ऑफ इफ्फत, नंबर 8 व्हाट मम्मा न्यू, नंबर 9 सेविंग दे लाइट। और इन सब स्टोरीज़ के अंदर वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को अपने खुद इंटीमेट मेमोरीज़ के साथ, अपनी क्लोज मेमोरीज़, बिलव्ड मेमोरी के साथ रिलेट करेगी। सेटिंग जो देखेंगे हम इसके अंदर, पाकिस्तान देखेंगे, US देखेंगे, ब्रिटेन, ये 3 प्लेसेस की सेटिंग देखेंगे हम इसके अंदर। इसके अंदर बोथ द क्लैश ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कल्चर्स एज वेल एज द एग्जाइल वर्सेस द होमलैंड इज एड्रेस्ड इन हर ब्यूटीफुल प्रोज। ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न कल्चर का क्लैश दिखाया गया है यहाँ पे। एग्जाइल वर्सेस द होमलैंड, इसको दिखाया गया कि किस तरह से इनको अपना होमलैंड छोड़ के जाना पड़ा, पाकिस्तान एग्जाइल कर गए, उसके बाद इनकी क्या लाइफ थी, फिर पाकिस्तान कैसा था। इन शॉर्ट ये अमेरिका में रह के सारा कुछ पाकिस्तान के अबाउट लिख रही है। ये इसका स्ट्रॉन्गली फेमिनिस्टिक पीस ऑफ वर्क है, एक पोस्ट कलोनियल लिटरेचर का वर्क है। इसके अंदर अगर फेमिनिज्म की बात की जाए तो इसने पाकिस्तानी वुमेन को अदर्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, कि पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन है वो वुमेन भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर अदर्स ही हैं, कि उनको फैमिली का पार्ट नहीं समझा जाता, उनको फैमिली के कल्चर का पार्ट नहीं समझा जाता, उनको प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं किया जाता, उनको प्रॉपर मैनर में ट्रीट नहीं किया जाता। ये सब कुछ कह रही है अपने इस नॉवल के अंदर। इस नॉवल के अंदर इसने उर्दू के वर्ड्स यूज़ किए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि पोस्ट कलोनियल एक टर्म है, अप्रोप्रिएशन। उसमें क्या होता है, टू अप्रोप्रिएट द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं ना उनको तोड़ फोड़ दो, उनको तोड़ फोड़ के अपने बीच में उर्दू के वर्ड ऐड कर दो। जैसा कि आई लव अम्मी, आई लव अब्बा, ये क्या है, अम्मी और अब्बा का वर्ड क्या था, ये उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है। तो इसने इस नॉवल के अंदर अप्रोप्रिएशन की टेक्निक अडॉप्ट की है, उर्दू प्रोवर्ब्स ही यूज़ किए हैं, सेइंग्स भी यूज़ की है, ठीक है। इसने लैंग्वेज के साथ खेल कर दिखाया है, बड़ी एक्सप्लोरेटिव टाइप ऑफ लैंग्वेज है इसके अंदर। इसका जो प्रोज है बड़ा रिच है मेटाफोरिकली एंड कॉन्टेक्चुअली बोथ। इसने मेटाफर्स भी बहुत यूज़ किए हैं, कॉन्टेक्चुअल के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा रिच है ये। जैसे कि मैंने बताया पेट्रियोटिक नहीं थी, इसके फादर जो थे बड़े पेट्रियोटिक थे, तो ये अपने फादर को आइडियलाइज नहीं करती, पिप कह के बुलाती अपने फादर को। और उसके अलावा अपने फादर की जो डेमोक्रेटिक नेचर थी ना, कहती है कि ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक इन अ ट्रू सेंस। वो अपने फादर के नेगेटिव पॉइंट्स को इस नॉवल के अंदर डिस्कस करती है। और इसके अलावा इस नॉवल की अगर बात की जाए तो फेमिनिज्म एट हर बर्थ इन दिस नॉवल, कि इसने फेमिनिज्म को इतना खींचा इसके अंदर, इतना डिस्कस किया इसके अंदर, जितना आपने कभी किसी और वर्क में नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। और जो मैं कह रही थी उर्दू के वर्ड, जैसा कि इसमें एक आलू का भरता, अगेन एक फूड,
उसका नाम यूज़ किया है। इसके अलावा कपूरा अगेन एक फूड, उसका नाम यूज़ किया है। मतलब कई वर्ड्स इस तरह आएंगे जो इसने उर्दू में यूज़ किए हैं। मम्मा जो कि उर्दू का वर्ड है, इस तरह इसने यूज़ किया है इसके अंदर। किरनी जो कि गुर्दे को कहते हैं, इसने उसके लिए वर्ड यूज़ किया है। तो अप्रोप्रिएशन की टेक्निक भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ गई। पॉलिटिक्स बहुत देखने को मिलेगी, जैसे कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही दादी के साथ दिखाया जाएगा कि दादी वाज नॉट डेड, इट हैपेंड इन द सेम वीक दैट भुट्टो फाइनली वाज हैंग्ड। भुट्टो का जिक्र आ गया दादी के साथ ही, तो इट मींस पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स, ये वाला थीम हम लोग को नज़र आ जाएगा। चलिए हम थीम की तरफ आते हैं। हम आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, तो थीम्स डिस्कस करते हैं। एक थीम तो हम इसमें पोर्ट्रेल ऑफ फैमिली देखेंगे। थ्रू आउट द नॉवल हमने देखा हमारे पास डिफरेंट करेक्टर आ गए इसके फैमिली के, जैसे कि इसके फादर आ गए, पता लग गया जी वो जर्नलिस्ट हैं, पता लग गया वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। पता लग गया कि वो एक डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये कहती ही इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक इन टू सेंस, यानी कि सो ऑन। जो इसके फादर के बारे में हमारे पास नॉलेज आई कहाँ से आई, इसकी राइटिंग के थ्रू ही। इसके अलावा इसने अपने मदर के बारे में बताया कि वो ग्रेसफुली रिजर्व्ड इंग्लिश प्रोफेसर हैं फ्रॉम वेल्स। इसके अलावा इसके इफ़त सिस्टर हैं। इसके अलावा ये खुद इसके बारे में बताया गया है, शी इज़ द ब्यूटीफुल एंड यंगर वन। इसकी सिस्टर इफ़त जो है वो एरोगेंट है। इसके अलावा इसके फ्रेंड्स, इसके बॉयफ्रेंड्स और उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी हिस्ट्री थी वो सब कुछ इसने इसके अंदर डिस्कस की है। यानी कि फैमिली, पोर्ट्रेल ऑफ फैमिली, फैमिली आइडेंटिटी, ये भी थीम इसका है, जिसके अंदर इसने अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उनकी आइडेंटिटी सबको प्रॉपर वे में डिस्कस किया है। इसमें भी पोर्ट्रेल ऑफ फैमिली से इंटरलिंक्ड बातें आएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है फीलिंग्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि माइग्रेशन से रिलेटेड है। स्लेरी जो है उसकी जो जिस जो मदर लैंड था वो पाकिस्तान था, उसकी जो मदर थी वो वाइट थी, वेल्श थी, रिप्रेजेंट करती कॉलोनाइजर को, उसको पंजाबी नहीं आती थी। टांग का क्लैश आ गया, नेशनलिटी का क्लैश आ गया, जिस बेस पे इसको नेशनल डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा था। डिस्प्लेसमेंट की फीलिंग स्ट्रॉन्गली एसोसिएट की गई है राइटर के साथ, सुलेरी के साथ, क्योंकि पार्टीशन के बाद का इम्पैक्ट उसके ऊपर दिखाया गया इस नॉवल के अंदर। इसके अलावा इसकी मदर की डेथ हो जाना, इसका इम्पैक्ट दिखाया गया। लॉस एंड प्रेजेंस, अगेन इसमें भी डेथ का थीम आ जाएगा, जैसे कि इसने एक चैप्टर के अंदर अपनी सिस्टर इफ़त की डेथ का मेंशन किया कि एक वॉयलेंट डेथ थी। इसकी मदर की डेथ का जिक्र किया कि इसने ड्रीम देखा और उस ड्रीम में इसने मीटलेस का भी जिक्र किया था, यानी कि उसमें मीटलेस डेज को ये डेथ से सिंबलाइज कर रही थी, डेथ से रेफर कर रही थी मदर की डेथ को, ठीक है। एनी हाउ, लॉस एंड प्रेजेंस, हिस्ट्री एंड नेशनहुड हमने देखा इसके अंदर, तो प्रेजेंट इन हिस्ट्री एंड नेशनहुड लाजमी है, क्योंकि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को रिलेट कर रही है अपनी मेमोरीज़ के साथ, ठीक है। जनरल ज़िया का आना, भुट्टो को फांसी दिया जाना, ये सब कुछ। पोस्ट कॉलोनियलिज्म हर जगह प्रेजेंट है कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल क्या है, आफ्टर कॉलोनियल रूल पाकिस्तान सेपरेट हो गया, पार्टीशन के बाद क्या हुआ, आइडेंटिटी क्राइसिस इसमें नज़र आएगा, इंग्लिश के वर्ड्स का जो इसने खेला है। इसके अलावा नेक्स्ट थीम है मेमोरी का। मेमोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि थ्रू एंड थ्रू जो नॉवल है वो मेमोरी की सेंस में लिखा गया है, डिफरेंट मेमोरीज को डिस्कस कर रही है, जैसे कि इफ़त की डेथ की मेमोरीज ने डिस्कस की, दादी के बारे में जिक्र किया, अपनी मदर के बारे में जिक्र किया, अपने फादर के बारे में जिक्र किया, ठीक है। ये सारा कुछ जो है मेमोरीज की फॉर्म में लिखा गया हो, तो मेमोरी इंपॉर्टेंट थीम है, जेंडर इंपॉर्टेंट थीम है, सिबलिंग रिलेशंस दिखाए गए हैं इसके अंदर, जेंडर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमिनिज्म तो इसमें थ्रू एंड थ्रू डिस्कस हो रहा है ना। तो आगे से पॉलिटिकल स्ट्राइव दिखाई गई है, पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स दिखाया गया है, रिलीजन दिखाया गया इसके अंदर, एक्सपैट्रियटिज्म दिखाया गया है। ये क्या होता है वर्ड, ये न्यू वर्ड होगा आपके लिए, इट मीन्स होता है कि एक पर्सन जो कि अपने नेटिव कंट्री से बाहर रह रहा हो, जैसा कि सारा सिलेरी रह रही थी, ठीक है। फेमिनिज्म दिखाया गया, फेमिनिज्म तो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे, फर्दर पूरा नॉवल पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये सब इसके डोमिनेंट थीम्स थे। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पाकिस्तानी एटीट्यूड्स, इन्वायरमेंट ऑफ पॉलिटिकल टेंशन, ये भी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था नॉवल का वो क्लियर हो चुका होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दुआओं में खास याद रखिएगा। फ़ी इमान अल्लाह।